नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, गांव में लाइट नहीं आने की वजह से हम आप आज यहां पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। हम BPSC 3.0 के बारे में बात करने वाले हैं कि जैसे जो एग्ज़ाम को लेकर के जो संशय था, जो कन्फ्यूजन था, अब वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका जो एग्ज़ाम है 19 से 22 जुलाई तक आपका कम्प्लीट हो जाएगा। अगर रही बात एडमिट कार्ड की तो 7 या 8 जुलाई को देखने को मिल सकता है। बहरहाल जो भी जानकारी होगी वो तो जल्द ही अपडेट उसका आ ही जाएगा, लेकिन जो अपडेट हमें मिली है उसके बारे में बताएंगे। और रिजल्ट जो है वो आपका 14 अगस्त या 20 अगस्त के आसपास देखने को मिलेगा। और उसी के साथ BPSC 4.0 का नोटिफिकेशन मिलेगा और लगभग उसका जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर के आसपास देखने को मिल सकता है। रही बात पेपर लीक को लेकर के, तो सरकार एक बार फिर चौकस है और कहीं नीट जैसा हाल इसका भी ना हो जाए, उसके लिए उनको हर हाल में अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा। और जो सेंटर की घोषणा की गई है वहाँ पे सभी सेंटरों से रिपोर्ट अब मांगा जा रहा है। जैसे कि आप लोग नीट में देखे हैं कितनी धांधली हुई थी, सरकार हर बार इसको छुपाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि 4 जून को ये रिजल्ट इलेक्शन के आड़ में निकाला गया था और अब जा कर के एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है। और रही बात यहाँ पे पेपर लीक कानून की, तो एक जल्द से जल्द सरकार ने इस पे पेपर लीक कानून पर बना दिया है, जिसमें आपको 10 लाख जुर्माना और 3 लाख के पैसों का भुगतान देना होगा। लेकिन हमें लगता है ये भी एक झुनझुना ही है, क्योंकि जब वो करोड़ों रुपया कमाएंगे, एक पेपर लीक करेंगे 20 करोड़ 30 करोड़ कमा लेंगे, तो उनके लिए 10 लाख कुछ नहीं होगा। वो अपने परिवार फैमिली को पैसे दे देंगे और 3 साल आराम से जेल काट करके फिर आएंगे, फिर वही काम करेंगे। इस पर कड़ा से कड़ा कानून बनाना चाहिए और जो 3 साल की जज सज़ा है इसको 7 या 10 साल तक करना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि उन्हीं के लोग उनके करीब के ही होंगे, तो ऐसा कानून अभी सिर्फ फिर भी दिखावटी कानून ही माना जाएगा। फिलहाल जो भी है, आपका BPSC 3.0 का एग्ज़ाम जो है वो आपका 19 से 22 जुलाई तक चलेगा। और आप तो मेहनत से पढ़िए, ये टाइम अब महीने दिन से भी कम बची हुई है। जो भी जानकारी होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन चैनल को हमारे जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।